नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार, एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सिरसा ज़िले की जीके, और हमने इस वीडियो में सिरसा ज़िले के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताया है जो आपके एचएसएससी के सभी एग्ज़ाम जैसे फायर ऑपरेटर, हरियाणा पुलिस, एसआई, एचटेट, यानी जो भी हरियाणा के गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं ना, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगी। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा, और डेली हरियाणा पुलिस और एसआई का टेस्ट देने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप सीधा सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में हरियाणा पुलिस या फिर एजुकेशन गुरुजी। चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन गुरुजी चैनल को, और सबसे पहले नई वीडियो पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। सबसे पहले बात करते हैं स्थापना की। तो सिरसा की स्थापना कब हुई थी? 26 अगस्त 1975 को, और ये कौन सा जिला बना था? 11वां, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल है 4277 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और इसके उपनाम क्या हैं? एक तो है सिरसिका या फिर सिरसुती, और साथ के साथ इसे सरस्वती नगर भी कहते थे। और सरस्वती नगर किसने बसाया था? ये बसाया था राजा सारस ने। किसने? राजा सारस ने। और कब? 1357 में, ठीक है। और बात करें सिरसिका, इसका उल्लेख मिलता है पाणिनि की अष्टाध्यायी में। देखो, सिरसिका, सरस्वती नगर या सिरसुती, ये सब किसके नाम है? सिरसा के, ठीक है। और सिरसा का सिरसा नाम क्यों पड़ा था? ये पड़ा था सिरिसवन पेड़ के कारण। और सिरसा अलग जिला बनने से पहले किसका हिस्सा था? ये था हिसार का। किसका? हिसार का। तो हमारा तीसरा पॉइंट है प्रमुख स्थल व मेले। सर साई नाथ का मंदिर सिरसा में है, दादी सती का मंदिर कुमारिया गांव में है जो कि है सिरसा में, ठीक है। रामदेव का मेला, ये भी सिरसा में लगता है। गणगौर का मेला, ये भी सिरसा में लगता है। आपको ना इसके बारे में डिटेल में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में ना सीधा क्वेश्चन आएगा कि गणगौर का मेला कहाँ पे लगता है, दादी सती का मंदिर कहाँ पे है, या फिर सरसाई नाथ का मंदिर कहाँ पे है। तो आप बस इन्हें याद कर लेना, ये आपके लिए काफ़ी है। बाबा भूमन का मेला, सरस्वती संग्रहालय, राजा सारस का किला, बाबा ताराजी की कुटिया, ये सब कहाँ पे है? सिरसा में। और जो ये बाबा ताराजी की कुटिया है ना, ये किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी गोविंद कांडा और गोपाल कांडा, ये दोनों ना भाई थे। क्या थे? भाई। इन्होंने बाबा ताराजी की कुटिया बनवाई थी। ख्वाजा पीर का मकबरा कहाँ पे है? सिरसा में। चोरमार गुरुद्वारा कहाँ पे? ये सिरसा के चोरमार गांव में। गुरुद्वारा गुरसिंह सभा, शहीद भगत सिंह स्टेडियम, फल उत्कृष्टता केंद्र, वायु सेना स्टेशन, ये सब कहाँ पे हैं? सिरसा में। और फल उत्कृष्टता केंद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स। तो पॉइंट नंबर 4 है हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? सिरसा। और इससे पहले कौन सा था? भिवानी। पॉइंट नंबर 5 है डेरा सच्चा सौदा, ये कहाँ पे है? सिरसा में। और इसकी स्थापना किसने की थी? ये की थी शाह मस्ताना जी ने। किसने? शाह मस्ताना जी ने। और कब की थी? ये की थी 1948 में, ठीक है। और कुछ टाइम पहले संत राम रहीम को रेप केस में 10-10 साल की सज़ा हुई है, यानी टोटल 20 साल की, ठीक है। और ये कौन सी जेल में है? सुनारिया जेल में। और ये कहाँ पे है? रोहतक में। इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और एक बात और, ये क्या डेरा सच्चा सौदा कहाँ पे है? सिरसा। एक क्वेश्चन आता है सच्चा सौदा मेला कहाँ पे लगता है? ये जींद में। तो आपको ध्यान रखना है डेरा सच्चा सौदा है सिरसा में, और सच्चा सौदा का मेला लगता है जींद में। सिरसा से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग होकर गुजरता है? NH-10। और सिरसा की प्रमुख नदी है घग्गर, और ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हिमाचल प्रदेश के डागशाही स्थान से, ठीक है। और ये घग्गर नदी हरियाणा में कहाँ से होकर गुजरती है? ये गुजरती है अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, सिरसा। सिरसा से होती है कहाँ से जाती है? राजस्थान में।
और राजस्थान में कहाँ पे? हनुमानगढ़। ठीक है, और घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी है? सरस्वती। ठीक है, और बात करें प्रमुख नहर की, तो सिरसा की प्रमुख नहर है भाखड़ा नहर। जो ये भाखड़ा नहर है ना, ये हरियाणा में प्रवेश करती है टोहाना से, और टोहाना कहाँ पे है? फतेहाबाद में। और भाखड़ा नहर किस नदी से निकलती है? ये निकलती है सतलुज। बात करें जनसंख्या घनत्व की, सिरसा में ना सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, कितना है? 303 वर्ग किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? फरीदाबाद में। और सिरसा किस मंडल में आता है? यह आता है हिसार मंडल में। और सबसे अधिक सब्जियाँ होती हैं सिरसा में, और सबसे ज़्यादा गायें भी कहाँ पे हैं? सिरसा में। बात करें भैंसों की, सबसे ज़्यादा भैंस हैं जींद में, और सबसे अधिक आंवला कहाँ पे होता है? सिरसा में। पॉइंट नंबर 14 है, किस जिले से प्राप्त अभिलेख में पशुपति संप्रदाय का वर्णन है? तो आंसर आएगा सिरसा। पॉइंट नंबर 15 है, काला तितर पर्यटन स्थल अबू बशर वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ पे है? सिरसा में। रानिया विद्रोह कब हुआ था? 1818 में। और ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था नवाब जावेद खां और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बीच। और अब बात करते हैं चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय यानी CDLU यूनिवर्सिटी की। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 2003 को। और मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी राज्य की यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होता है? वहाँ का गवर्नर यानी राज्यपाल। तो हरियाणा का राज्यपाल कौन है? यह है कप्तान सिंह सोलंकी। तो पॉइंट नंबर 20 है, चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल का जन्म हुआ था 25 सितंबर 1915 को, और मृत्यु हुई थी 6 अप्रैल 2001 को। और इनका जन्म हुआ था तेजाखेड़ा गांव में, जो कि है सिरसा में। और ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे जो उप प्रधानमंत्री भी बने थे। और कब बने थे ये? 19 अक्टूबर 1989 से 21 जनवरी 1991 तक। और चौधरी देवीलाल 2 बार मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। और इसके अलावा क्या इम्पोर्टेंट है? हाँ, ये 1952 में ना पंजाब में कांग्रेस के सदस्य बने थे। इसके कांग्रेस के। और अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 21 की, ओम प्रकाश चौटाला, इनका जन्म हुआ था चौटाला गांव में, जो कि है सिरसा में। और ये हरियाणा के 4 बार CM यानी चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। इसके अलावा सबसे कम समय के लिए CM कौन बने थे? ये भी बने थे ओम प्रकाश चौटाला। कितने दिन तक? 6 दिन तक। ठीक है, और ओम प्रकाश चौटाला के पिता का क्या नाम था? क्या था? चौधरी देवीलाल। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। और कुछ ही देर में कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र की भी वीडियो आने वाली है। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये सभी वीडियो हम आपके लिए बड़ी मेहनत से बनाते हैं। इसलिए आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, जिससे हम आपके लिए जल्दी जल्दी बेहतर वीडियो बना सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और आप इसी तरह की वीडियो डेली पाने के लिए हमारे चैनल एजुकेशन गुरुजी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।